हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर इन थ्री डायमेंशन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कल मैंने तीन असाइनमेंट का सॉल्यूशन अपलोड किया था, तो जिसको ही प्रॉब्लम हो रहा है असाइनमेंट सॉल्व करने में तो सॉल्यूशन चेक करो और समझने की कोशिश करो। मेरा उम्मीद है 100% में कॉन्फिडेंट होगी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर इसके अलावा अगर कोई समझ में नहीं आया तो हमको मैसेज करो ऐसे व्हाट्सएप में, ठीक है। तो आज से क्लास हम शुरू करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर बारे में, थोड़ा सा याद करा देता हूँ पोजीशन वेक्टर क्या था। तो पहला चीज क्या है, पोजीशन वेक्टर को हम क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये पहला पॉइंट है पोजीशन वेक्टर का, कि उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट के जरूरी होता है। अगर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया है उसका मतलब कौन से ओरिजिन है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो सपोज मान लो ये है तुम्हारा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो अगर मैं बोलता हूं वेक्टर ए बी, उसका मतलब क्या है, बी के डायरेक्शन में जाएगा, ए से स्टार्ट हो गया। तो इसको बोलेंगे क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो मतलब बी का वेक्टर लिखेंगे माइनस ए का वेक्टर लिखेंगे। सिमिलरली अगर थ्री डायमेंशन में बात करेंगे तो सपोज कोई पॉइंट है 1, 2, 3, ये पॉइंट मान लो पी है और ये पॉइंट -2, 4, 5, ये पॉइंट है क्यू। तो मेरे को क्यू पी वेक्टर चाहिए, ये मैंने डिस्कशन पहले भी किया था। क्यू पी मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पी का मतलब डायग्राम हिसाब से याद रखो, क्यू से स्टार्ट होके पी की तरफ जाएगा, जिस डिरेक्शन में आरो मार के उसी डिरेक्शन में जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। क्यू पी वेक्टर मतलब क्यू से स्टार्ट होके पी के डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा है। तो पी के पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, सिर्फ आई कैप, ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे, आई कैप +2j कैप +3 इंटू के कैप। माइनस क्यू के लिए क्या लिखेंगे, -2i + 4j + 5k, ये हमने डिस्कशन किया था। तो ये कितना हो जाएगा, 3i + 2j - 2k, 3 - 5 2k। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर थ्री डायमेंशन में, दो पॉइंट रहेगा इनका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। सपोज अब हम इंपॉर्टेंट चीज है और कुछ चीज थ्री डायमेंशन के बारे में डिस्कशन करता हूं, जिसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये प्रीवियस क्लास का है। तो अब डिटेल थोड़ा डिस्कशन करते हैं थ्री डायमेंशन के बारे में। ये तो हो गया दो पॉइंट रहेगा, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आज पोजीशन वेक्टर इन 3D थ्री डायमेंशन में। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज ये थ्री डायमेंशन में थोड़ा सा और डिस्कशन मैंने भी किया था लास्ट उससे पहले वाले क्लास में किया था। तो थ्री डायमेंशन के बारे में और थोड़ा सा बताता हूँ आज। तो ये थ्री डायमेंशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो इससे जो क्वेश्चन आएगा गलत हो जाता है। तो पहला चीज मैंने क्या बताया था, इसमें तीन कोऑर्डिनेट रहता है, कौन सा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। इसका यूनिट वेक्टर आई क्या है, इसका यूनिट वेक्टर जे क्या है, जेड का कितना है, के क्या है, और एक्स वाई जेड क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ये सारे पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसको एक्स मानता हूं, ये अगर वाई है, ये क्या है तुम्हारा जेड है। इसको मैं चेंज कर सकता हूं, ये भी मैंने बताया था, जस्ट इमेजिन करो इसी टाइप का है कुछ। अगर मान लो ये तुम्हारा थ्री डायमेंशन का कोऑर्डिनेट है, जो तीन मार्कर मैंने लगाया कर रखा हूं ना, ये है, ठीक है, ये ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है तुम्हारा थ्री डायमेंशन में, ठीक है। अब देखो कि अगर मैंने एस को ऐसे रखा हूं, ये क्या है तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, जो ये वाला एक्सिस है जेड हम ऐसे बना रहे, तो ये कैसा ऐसा है। अब देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, दिखने में तो ऐसे 90 से ज्यादा दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि एक्स और जेड में एंगल कितना है, ये वाला एंगल जो है ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल को हम कितना लिखेंगे, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, और ये एंगल भी 90 डिग्री है, और ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, थ्री डायमेंशन चीज को हम टू डायमेंशन में अगर ड्रॉ करेंगे नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो ऐसे दिखा रहे हैं, ये दिख नहीं रहे 90, बट एक्चुअल में कितना है 90 डिग्री है। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, इसको x माना, इसको y माना, ये z माना। अगर मैं इसको x मान लूंगा
तो ये क्या हो जाएगा y एंटी क्लॉकवाइज, मैंने ये बताया था x y ऊपर क्या हो जाएगा z हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको x मानेंगे ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा। तो ऐसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं ऐसे मान लेता हूं, अगर इसको x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा z हो जाएगा, और इसको x मान लिया ये y है, ये कितना है z है। अब देखो ध्यान से कि ये प्लेन बना रहा है, ये जो x है ये y है, तो यहां पर अगर मैंने ऐसे रखूंगा ये कौन सा प्लेन बना रहा है, बोर्ड का प्लेन बना रहा है, तो इसको हम बोल देंगे xy प्लेन और yx प्लेन। इसके मैंने डिस्कशन पहले किया था, फिर से कर रहा हूं, xy प्लेन है ये, ठीक है। अब यहां से देखो ये x है ये z है, तो यहां पे ये जो प्लेन है नीचे, इसको ऐसे मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो कोई घर का कॉर्नर के बात करो, तुम्हारे घर के जो कॉर्नर है ना उसको देखो, अभी कॉर्नर में ऐसे है ना तीन साइड आके मिल रहे हैं, वो तीनों क्या है, तीन प्लेन है, ये वाला साइड वाला प्लेन है और ये एक प्लेन है और ये नीचे वाला एक प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, और ये वाला साइड जो है ये वाई है ये जेड है, ये क्या है वाई जेड प्लेन, जेड वाई भी बोल सकते हो, जनरली हम ऐसे लिखते हैं। तो हमारा क्या थ्री डायमेंशन में हमारे पास कितना है, तीन प्लेन हो गया, ठीक है। बट टू डायमेंशन में एक ही प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन। सपोज टू डायमेंशन मतलब ऐसा है, ये एक्स है ये वाई है, तो ये क्या एक प्लेन है। बट थ्री डायमेंशन में कितना प्लेन क्रिएट हो जाता है, देखो एक्स और वाई एक्सिस मिला के एक प्लेन बना रहे, एक्स और जेड मिला के एक प्लेन बना रहे, और वाई और जेड मिला के एक प्लेन बना रहे, तो थ्री डायमेंशन में कौन सा प्लेन है, तीन प्लेन हो जाएगा। अब सिमिलरली यहां पे क्या लिखेंगे देखो, तो ये कौन सा प्लेन है तुम्हारा, जेड और वाई है, जेड वाई प्लेन, ये कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ध्यान से समझो नहीं तो बाद में पता नहीं चलेगा, ये कौन सा प्लेन है, जेड एक्स प्लेन, और ये देखो ये कितना वाई जेड प्लेन है, और ये कितना एक्स जेड है, ये कितना एक्स वाई है, तो ये हो गया तीन प्लेन। अब मैंने बताया था जो स्टार्टिंग में कोप्लानर वेक्टर्स में, कोप्लानर मतलब क्या, कि एक ही प्लेन में और जो वेक्टर्स रहेंगे उसको हम कोप्लानर वेक्टर्स बोलते हैं, भले इसमें जो वेक्टर रहेगा ये एक प्लेन में, ये इस प्लेन में और इस प्लेन में अगर वेक्टर्स रहेंगे, इन दोनों वेक्टर्स क्या है कोप्लानर नहीं है क्योंकि अलग अलग प्लेन में, ठीक है। अब हमारा पर्पज क्या है, मैंने अभी हमने क्या डिस्कशन किया था, तीन एक्सिस डिफाइन किया, तीन एक्सिस के वजह से तीन प्लेन क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सपोज मान लो क्यूब है, क्यूब समझना आता है, क्यूब का मतलब क्या, अगर क्यूब का मतलब देखो ऐसे है, सपोज देखो मैं कैसे क्यूब बना रहा हूं, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे बनाओगे नहीं तो भी तुम्हारा अलग हो जाएगा मेरा अलग हो जाएगा, ऐसे बना रहा हूं क्यूब, देखो एक रखा इसको राइट को तरफ बना रहा हूं ऐसे, तो तुम्हारा क्यूब मेरा क्यूब मैच होगा नहीं तो अलग अलग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस क्यूब का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, सपोज थोड़ा सा बड़ा हो गया ये क्यूब, ये जेड एक्सिस, ये तुम्हारा कौन सा है एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा कौन सा है वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसको हेडिंग दे देंगे क्या, कोऑर्डिनेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखो, कर्नर्स ऑफ क्यूब, साइड लेंथ कितना है ए, तो ये क्यूब, क्यूब मतलब क्या हर एक साइड का लेंथ कितना ए है और ऐसे रखा हुआ है। अब मेरा पर्पस क्या है, उसका हर एक कर्नर का, इस कर्नर का, इस कर्नर का, हर एक कर्नर का क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझो क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है क्योंकि थ्री डायमेंशन है, इमेजिन करना पड़ता है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, समझ में समझो अच्छे से तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना लेते हैं, सपोज ये एक्स वाई है, ओरिजिन कितना है 0,0, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट कितना 0,0,0, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है हमेशा 0,0,0 होता है, ठीक है। अब देखो इस वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो पहले कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले देखो ये कौन सा प्लेन में है, ये कोई प्लेन में है क्या, ये तुम्हारा कौन सा प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में अगर है, एक्स वाई प्लेन मतलब क्या, वाई जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऐसे देखो ये तुम्हारा एक्सिस ऐसा है, देखो
थोड़ा सा देखना, चेक करो इसको, हाँ ऐसा है ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्स है, ये वाई है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो इस जेड तो यहां से शुरू हो रहा है ना, तो एक्स वाई प्लेन में वाई जेड कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो है, ऐसा है। मतलब ये यहां पे मैं लिख देता हूं, सपोज यहां पे एक्स वाई प्लेन है, इसका जेड कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये तुम्हारा वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में मतलब क्या, एक्स जीरो है, जो भी प्लेन में होगा उसका जो अपोजिट वाला है, जो पार्ट नहीं है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो है। जेड एक्स प्लेन में y का कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो है। सिमिलरली जेड वाई प्लेन में यहाँ पे कितना, x जीरो हो जाएगा, मतलब x में कोई कोऑर्डिनेट है ही नहीं यहाँ पे। एक्स वाई प्लेन में कितना है, जीरो है, जेड जीरो है, और जेड एक्स प्लेन में y जीरो है। तो ऐसे करके लिखेंगे, तो पहले वाला ये जो प्लेन है, ये तुम्हारा कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में मतलब क्या, जेड कितना है, जीरो है। ऐसे करके समझना है तुम्हें, देखो पहले देखो कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो है ठीक है। उसका मतलब जेड के डायरेक्शन में कोई हाइट नहीं है। अगर हम देखेंगे एक क्यूब टाइप, मैं इसको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो ऐसा एक क्यूब रखा हुआ है, सपोज ये क्यूब है तुम्हारा, तो ये वाला कौन सा है, यहां से देखो इसके पीछे वाला दिखा रहा हूं, ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है जो मार्क कर रखा हूं मैंने, और ऊपर वाला क्या है तुम्हारा, वाई कोऑर्डिनेट ऐसे है, और ये वाला कौन सा है, जेड कोऑर्डिनेट है ठीक है। ऐसा है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा ठीक है। इधर वाला एक्स है, इधर वाला कितना जेड है, ऊपर वाला कैसा है, वाई है। सपोज इस वाले साइड का बता रहा हूं, ये हाइट कितना है, जीरो हो जाएगा। इस वाले जो प्लेन है, जो पीछे वाला प्लेन का बात कर रहा हूं, जो पीछे वाला जो प्लेन है इस साइड में, इस साइड का जो प्लेन है, पीछे वाला प्लेन के लिए ये हाइट कितना है, जीरो है। तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा देखो, और ये लेंथ कितना है, ए है, क्योंकि क्यूब का हर एक साइड लेंथ कितना होता है, ए होता है, और ये लेंथ कितना है, ए है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कॉमा ए कॉमा ए कॉमा जीरो। ध्यान से समझना है इसको, देखो पहला चीज है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में जेड को मैंने जीरो कर लिया, और एक्स का लेंथ कितना हुआ, एक्स के डायरेक्शन में लेंथ कितना है, यही तो है ए, और y का डायरेक्शन में लेंथ कितना है a। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा, देखो अगर एक्सिस में रहेगा, एक्सिस में रहेगा तो बाकी दोनों कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और x एक्सिस में, जैसे मान लो यहां पे एक्सिस होता है, इससे कोऑर्डिनेट क्या लिखो, 2, 0, x एक्सिस में है तो y कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो है। सिमिलरली यहां पे x एक्सिस है तो y और z दोनों जीरो है, और x के डायरेक्शन में कितना लेंथ है, a, हो गया। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट लिख देते, इसका क्या लिखेंगे, ये कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, जेड जीरो है। अगर एक्सिस में रहेगा, ध्यान से देखो, अगर एक्सिस में रहेगा इन एक्स एक्सिस, अदर कोऑर्डिनेट्स कितना है, इन एक्स एक्सिस डायरेक्टली मैं लिखता हूं ऐसे, इन एक्स एक्सिस y 0 और z 0, सिमिलर y एक्सिस में x 0 z 0, z एक्सिस में x 0 y 0। तो ये z एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, 0, 1, हो गया। अब देखो ये कौन सा प्लेन है, एक एक करके हम सारे कॉर्नर का लिखेंगे, ये कौन सा प्लेन है, देखो y और z, y z प्लेन, y z प्लेन में x का कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, क्योंकि इस साइड में x का कोई लेंथ नहीं है ना, x का लेंथ यहां से शुरू हो रहा है, तो इस वाले प्लेन में क्या हो जाएगा, तो x कितना है, 0 है, और ये लेंथ कितना, a है, और ये लेंथ भी कितना, a है, कमा a कमा a ठीक है। और इस वाले पॉइंट में आ जाओ, ये कौन सा प्लेन है तुम्हारा, zx प्लेन में, zx प्लेन में कितना है, y 0, तो पहले इसको y को 0 लिख लेते हैं, और x का डायरेक्शन में कितना लेंथ है, a, और ये कौन सा है, ये जेड का लेंथ है, ये दोनों सेम है ना, ये और ये, ए, हो गया। और कौन सा बचा, एक पॉइंट बचा, ये बाकी सारे पॉइंट लिख दिया मैंने, ये पॉइंट इसका है और ये इसका है, हाँ ये कौन सा वाला पॉइंट है, देखो अगर हम क्यूब का बात करेंगे, ऐसे क्यूब अगर ऐसा रखा हुआ है, ऐसे क्यूब है सपोज, और घर का कर्नल भी देख सकते हो,
क्लासरूम रहता है तो मैं क्लासरूम का कर्नर दिखा कर समझा देता हूँ, बट यहाँ पे तो अभी ऐसे दिखाना पड़ेगा। अगर ये ऐसा है तो ये कौन सा वाला कर्नर, देखो इस वाला कर्नर, ये अगर क्यूब है, ठीक है, अगर क्यूब को मैंने यहाँ पे रखा तो ये वाला पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट है इसके पीछे जो है, ये वाला पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट, सर ये वाला पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट, अगर मैं इसको यहां पर रखता हूं देखो ये ऐसा रह गया, तो इस बल कर्नर का कौन सा पॉइंट, ये बल इस पॉइंट का है, तो ये कौन सा, ये तो कोई एक्सिस में नहीं है, वो कोई प्लेन में नहीं है, मतलब इस पॉइंट के पहुंचने के लिए यहां से तुम्हें ए हाइट जाना पड़ेगा, इधर से ए आना पड़ेगा, ऊपर से कितना आना पड़ेगा, ए आना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये घर का दूसरा वाला कर्नर की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट में पहुंचने के लिए हमको कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा, देखो यहां से ए डिस्टेंस, इधर से भी ए, ऊपर से भी ए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखो ए कॉमा ए कॉमा ए, ये समझना है तुम्हें, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि अभी तुम्हें लिखना है, मैं अगर इसमें एक्सिस चेंज करके दे दूंगा बोलूंगा कोऑर्डिनेट लिखो, तो पहला चीज क्या करना है तुम्हें, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट लिखने में याद रखो, क्योंकि कोऑर्डिनेट अगर लिख पाओगे फिर पोजीशन वेक्टर लिख पाएंगे, फिर पोजीशन वेक्टर का कैलकुलेशन भी कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज आता है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले देखना है कौन सा प्लेन में एग्जिस्ट करता है, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कंपोनेंट जीरो है, अगर वाई जेड में है तो एक्स जीरो है, जेड एक्स में है तो वाई जीरो है, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर एक्सिस में रहेगा तो जो भी एक्सिस में रहेगा उसका दो अपोजिट वाला एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो है, ठीक है, तो ऐसे करके लिखेंगे। और एक पॉइंट बचेगा ये वाला पॉइंट, कर्नर वाला पॉइंट, लास्ट कर्नर वाला, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, ए कमा ए, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो, कैसे समझेंगे, इस पॉइंट को पहुंचने के लिए हमको कितना हाइट जाना पड़ेगा, ये तो ये हाइट है, अगर इसको मैं ग्राउंड मान लेता हूँ, ये हाइट कितना ए है, इधर से कितना हाइट है ए, इधर से कितना हाइट है ए, तो तीनों के लिए ए हाइट आ रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, ए कमा ए, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अब थोड़ा सा देख के समझो, मैं इसको क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम्हें करना है क्वेश्चन कैसा है, कोऑर्डिनेट लिखना है और एक क्यूब इसी टाइप का जो कि एक्सिस को मैं चेंज कर दूंगा, अब देखो तो तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखना है, सेम क्यूब है, देखो मैं कैसे बना रहा हूं, क्यूब ऐसे ही बनाऊ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, क्यूब है, तो कर्नर का कोऑर्डिनेट लिखो, क्यूब का साइड कितना है a, एक दो मिनट टाइम ले रहा हूँ, सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक है, फिर हम डिस्कशन करेंगे कैसे हुआ।
अब देखो मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का हो गया, मैं कर रहा हूँ, देखो नाम दे देता हूँ पॉइंट्स, या फिर ए बी सी डी, ठीक है। तो ए वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे, एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में, तो बाकी दोनों कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो है, तो ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ये लेंथ कितना है, ए है, यहाँ से यहाँ तक। सिमिलरली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में बाकी दोनों जीरो है, ये वाला कौन सा है, जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में तो बाकी दोनों जीरो है, तो पहला पॉइंट हो गया। बाकी हम प्लेन की बात करेंगे अभी, ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में तो एक्स जीरो है, पहले से लिख दिया मैंने जीरो, बाकी वाई के डायरेक्ट, ये जेड के डायरेक्शन में हाइट है, ये हाइट कितना ए है, और ये वाई के डायरेक्शन में ए है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में जेड कितना है, जीरो है, और ये लेंथ कितना ए है, ये लेंथ भी कितना ए है, तो ए कॉमा है। सिमिलरली इस वाला पॉइंट का देखो, ये हाइट ए है, ये हाइट भी ए है, ये कौन सा प्लेन है तुम्हारा, एक्स जेड में, एक्स जेड में वाई जीरो है, तो ए ए। अब बच गया ई कलर वाला पॉइंट, इसके लिए कितना हो जाएगा, ए कॉमा ए कॉमा ए, तो हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट लिखना हो गया, अगर तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ तो इसी टाइप का और एक क्यूब बनाओ और एक्सिस को चेंज कर दो और खुद से लिखने की कोशिश करो, ऐसे बना आके। अगर मैंने मान लिया यहाँ पे एक्स, ये है वाई, ये है जेड, ध्यान में देना है कि एक्स वाई जेड हमेशा एंटीक्लॉकवाइज होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर इसे कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये हो गया क्यूब का कोऑर्डिनेट, अब हम क्यूबॉइड का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस क्या है, क्यूब मतलब हर एक साइड क्या होता है, सेम होता है, क्यूबॉइड में हर एक साइड क्या होता है, अलग होता है। तो मैं क्यूबॉइड बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, मतलब हर एक साइड क्या है, अलग अलग लेंथ के। तो अब देखो, तो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट में दिखा रहा था वो क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है, ऐसा है। अगर ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है, और इसका कुछ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, देखो यहां से यहां तक लेंथ दिया हुआ है तुम्हें, ये लेंथ दिया हुआ है, मान लो ए है, और यहां से यहां तक लेंथ दिया हुआ है बी है, और यहां से यहां तक लेंथ दिया हुआ है सी है। अब ध्यान से देखो, मैं हर एक कर्नर का कोऑर्डिनेट लिखूंगा, टेक्निक सेम है, अगर एक्स एक्सिस में है तो बाकी दोनों का कोऑर्डिनेट जीरो है, अगर वाई एक्सिस में है तो बाकी दोनों का कोऑर्डिनेट जीरो है, अगर जेड एक्सिस में है तो बाकी दोनों का कोऑर्डिनेट जीरो है, सेम टेक्निक लगा रहा हूँ। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में तो बाकी दोनों का कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो कॉमा जीरो, अब x एक्सिस में लेंथ कितना है, a है, तो हो गया। तो ये देखो y वाला पॉइंट, ये कहां पे है, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट जीरो है, y कितना हो जाएगा, y एक्सिस में कितना लेंथ है, b है। सिमिलरली ये पॉइंट देखो, जीरो कॉमा जीरो, z एक्सिस में कितना लेंथ है, c है, तो हो गया, ठीक। अब आ जाओ प्लेन की बात करेंगे, ये कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, मैंने जैसे बोल रहा हूं ऐसे दिमाग में रखो, कोई गलती नहीं होगा। XY प्लेन में जेड जीरो है, मैंने लिख दिया जीरो। अब एक्स वाई और वाई का बात करेंगे, अब देखो ये जो लेंथ है एक्स के इससे बराबर है कि नहीं, एक्स डायरेक्शन में कितना लेंथ हो गया, अभी ए हो गया, तो ए हो गया। अब ये हाइट चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट मतलब क्या, अब ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई कर बोलता हूँ, उसका मतलब इधर की डायरेक्शन में कितना लेंथ है, एक्स से ऊपर की डायरेक्शन में कितना लेंथ है, वाई है, तो सेम तो चीज है। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, इस डायरेक्शन में कितना लेंथ है, ए है,
और ये हाइट कितना है तुम्हारा बी है, तो ये हो गया ए कमा बी कमा जीरो। ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे, ये कौन सा प्लेन है तुम्हारा, वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में एक्स जीरो है पहले नीचे लिख दिया। अब ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, देखो ये किससे बराबर है, इससे बराबर है, सी से बराबर है। ठीक है, और ये हाइट किससे बराबर है, बी से बराबर है, तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना है बी है, और जेड का कितना सी है, क्योंकि जेड के डायरेक्शन में सी है, तो ये हो गया। ठीक है, ये ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं ये जेड एक्सिस है, तो ये लेंथ भी कौन सा है, जेड एक्सिस को पैरेलल है मतलब वही लेंथ है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जेड, जेड के डायरेक्शन में कितना सी है, और वाई मतलब क्या हाइट है, यहां से ये जो लेंथ है ये भी सेम लेंथ है, ये लेंथ कितना बी है, तो यहां पे भी लिख दिया मैंने। अब यहां पे देखो इस पॉइंट का लिखेंगे, ठीक। अब देखो ये कौन सा प्लेन है तुम्हारा, जेड एक्स प्लेन में, तो वाई जीरो है मैंने लिख दिया पहले से ही। अब एक्स, एक्स में कितना लेंथ है, ये लेंथ, ये जो लेंथ है ये भी सेम लेंथ है, तो ए, और जेड के लिए कितना है, ये जो भी है ये सेम है सी, तो हो गया। अब बच गया कौन सा, कर्नर वाला पॉइंट, ए जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे लिखने के लिए देखो ये इतना हाइट ऊपर है, ये हाइट किसके कितना के बराबर है, वाई है, ये हाइट कितना बी है, तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बी, और एक्स के डायरेक्शन में कितना लेंथ है देखो ए, और जेड के डायरेक्शन में कितना लेंथ है ये सी, तो ए कमा बी कमा सी, हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ क्यूबॉइड, समझ में आया। इसी टाइप का और एक दे रहा हूं, एक्सिस को चेंज करके भी लिखना है, सोचो कैसे हुआ, ध्यान से देखो, पहला चीज एक्सिस का लिखना है, सेकंड प्लेन का लिखना है, फिर और एक कर्नर बचाएगा तुम्हारा, इसको ट्राई करूं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं एबीसी चेंज कर रहा हूं तो उसे छक मत देना, तो गलत हो जाएगा, तो यहां से यहां तक लेंथ को मैं ए मान रहा हूं, यहां से यहां तक लेंथ को बी मान रहा हूं, और यहां से यहां तक लेंथ को सी मान रहा हूं, या पॉइंट दे देगा अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो हमें दिया है ए ई का वैल्यू है सी, E और H का वैल्यू है B, E और F का वैल्यू है A, तो तुम्हें A B C D E F G बाकी सबका कोऑर्डिनेट लिखना है। अब कोशिश करो, इसको एक मिनट टाइम दे रहा हूं, खुद से करोगे तभी समझ में आएगा, ट्राई करो एटलीस्ट, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई नहीं करोगे तो दिक्कत है, कोशिश करो लिखने का, गलती होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया,
अब देखो मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का हो गया, शुरू करते हैं। देखो पहले से कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये कौन सा एक्सिस में, वाई एक्सिस में, वाई मतलब क्या, एक्स और जेड दोनों जीरो है, तो एक्स जीरो है, जेड भी जीरो है। अब मेरे को वाई लिखना है, वाई में देखो वाई के डायरेक्शन में कितना लेंथ है, बी है, तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। अब ये देखो ये कौन सा एक्स है, एक्स मतलब क्या, वाई जेड दोनों जीरो है, और जीरो कॉमा जीरो, एक्स कितना है, एक्स के डायरेक्शन में लेंथ कितना है, सी है, तो सी। और यहाँ पे देखो ये कितना है, जेड में जेड मतलब बाकी दोनों जीरो है, और हाइट कितना, ए है, हो गया, ठीक। और बी पॉइंट का देखो, ये कौन से प्लेन में, पहले प्लेन डिसाइड करो, एक्स और जेड प्लेन में, तो वाई जीरो है, मैंने लिख दिया पहले वाई जीरो, और एक्स के डायरेक्शन में कितना लेंथ है, देखो एक्स कौन सा है, ये है एक्स, सी है, तो ये लेंथ कितना है, सी है, और हाइट कितना है, देखो ए, तो ये हो गया। सिमिलर डी पॉइंट का देखो, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, दो जेड जीरो है, अब एक्स के डायरेक्शन में लेंथ कितना है, देखो एक्स मतलब ये है, सी है, ये भी सी है, तो सी है, और वाई के डायरेक्शन में बी है, तो बी है। अब यहां पे आ जाओ, ये कौन सा प्लेन में, वाई और जेड में, तो एक्स जीरो है, और इसके डायरेक्शन में कितना लेंथ है, देखो वाई के डायरेक्शन में कितना लेंथ है, बी है, और जेड के डायरेक्शन में ए है। और ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट लिखोगे, तो पहले देखो इस पॉइंट को पहुंचने, ये हाइट कितना है, ए है, बट ए किसका है, इससे बराबर है, ठीक है, तो ये जेड का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए, जेड का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ए, एक्स देखो एक्स में कितना लेंथ है, सी लेंथ है, तो ये भी सी है, तो सी कॉमा वाई में कितना है, बी कॉमा ए, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट। अब हमारा फायदा क्या है कोऑर्डिनेट लिखने का, ध्यान से देखो, अब हमने कोऑर्डिनेट लिखना सीख गए किसका, क्यूब का, कीबोर्ड का, टू ऑलवेज आर तो सीख गए, ठीक है। अब इसका काम क्या है, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन घुमा के आता है, देखो कैसे, अगर ये कोऑर्डिनेट लिखना नहीं आता है तो क्वेश्चन तुम्हें टफ लगेगा बहुत, अगर कोऑर्डिनेट लिखना आता है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बना सकते हो। देखो कैसे, सपोज ये क्यूब है, क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, तो ये क्यूब है, ऐसे क्यूब दे देगा वाई एक्स वाई जेड क्यूब ऑफ साइड लेंथ स्मॉल है, तो मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी डी। तो अगर मेरे को चाहिए कौन सा वेक्टर, अगर मान लो मैं लिखूंगा फाइन बी एच वेक्टर, बस इतना क्वेश्चन लिख देंगे, और इससे और ज्यादा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, मैं इसी में एक सारे क्वेश्चन बना दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन बी एच वेक्टर, तो ऐसे अगर बी एच वेक्टर अगर हम लिखेंगे, मैं लिख देता हूं दो तीन क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर अलोंग एस सी, ऐसे लिखेंगे, और क्या लिख सकते हो, सपोज मैंने यहां पे लिख दूं, दो तीन क्वेश्चन लिख देता हूं, डी एफ प्लस एच ए, कुछ भी मैं अपने मन से लिख रहा हूं, ठीक है। सेकंड बी डी प्लस डी एफ बी डी माइनस डी एफ, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते, जो भी हमने पहले पढ़ा था सब कुछ बना सकते हैं इसमें, बस इंपॉर्टेंट है ये सारे वेक्टर लिखना आ गया। अगर हमको वेक्टर लिखना आ गया तो वेक्टर का सब कुछ कैलकुलेशन कर सकते, पैरेलल निकाल सकते हो, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, कि पहले कोऑर्डिनेट लिख लो, क्या क्या कोऑर्डिनेट है इसमें, तो पहले हम क्या करते, कोऑर्डिनेट लिख लेते, तो कोऑर्डिनेट लिखना तो आता है हमको, ये पॉइंट के साइड लेंथ ए है, तो ये एक्स एक्सिस में है तो बाकी दोनों जीरो है, ये वाई एक्सिस में है तो बाकी दोनों जीरो है, ये जेड एक्सिस में है तो बाकी दोनों कोऑर्डिनेट जीरो है, ठीक। ये कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन में,
तो एक्स वाई प्लेन में तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स वाई प्लेन में जेड जीरो है तो ए कमा जीरो। सिमिलरली ये कौन सा प्लेन है, जेड एक्स प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में तो वाई जीरो है। ये कौन सा प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन में, वाई जेड मतलब एक्स जीरो है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए कमा ए कमा ए। अब मैं क्या करता हूँ, सबका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ लाइन करके ताकि तुम्हें जरूरत पड़ेगा। ए ए देखो कहाँ पे, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो कमा जीरो कमा ए। बी का कोऑर्डिनेट देखो, बी कहाँ पे, यहाँ पे जीरो कमा ए कमा ए। सी का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, ए कमा ए कमा ए। डी डी कहाँ पे, यहाँ पे ए कमा जीरो कमा ए। ई ई ऑरिजिन है तो जीरो कमा जीरो कमा जीरो। एफ एफ कहाँ पे देखो, वाई जीरो सॉरी जीरो कमा ए कमा जीरो। जी ए कमा जीरो और एच ए कमा जीरो कमा जीरो। तो मैंने सब आठ कॉर्नर का कोऑर्डिनेट लिख दी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, बी एच वेक्टर चाहिए हमको। बी एच वेक्टर ये तो हमको पता है, कोई वेक्टर अगर करते हैं बी एच मतलब डायरेक्शन कैसे होगा, बी से शुरू करके एच के आएगा, मतलब क्या, बी से बी ये पॉइंट हो गया और एक पॉइंट हो गया, बी से एच तक ऐसे जॉइन करेंगे, ये हो जाएगा बी एच वेक्टर। तो बी एच वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, ये तो हमको पता है, क्या लिखेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ एच माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ एच क्या लिखेंगे, यहां देखो ऐसे कोऑर्डिनेट कितना है, ए जीरो जीरो तो ए आई कैप, ये जीरो मतलब क्या, जीरो जे प्लस जीरो के, तो उसको लिखने को जरूरत नहीं है, और यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट टाइम है इसलिए लिख रहा हूँ, आगे नहीं लिखूंगा अभी। माइनस बी का देखो, बी का कोऑर्डिनेट कितना, जीरो ए जे तो जीरो आई प्लस ए जे प्लस ए के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए आई माइनस ए जे माइनस ए के, तो ये हो गया बी एच वेक्टर। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, इससे आगे गया बी एच का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए बी एच का क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, तो कितना हो जाएगा रूट ओवर थ्री है। सिमिलरली बी एच का हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, मैं एक साथ निकाल देता हूँ सारे, बाकी तुम लोग करोगे आगे। बी एच का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, बी एच वेक्टर बाय एस मैग्नीट्यूड, वेक्टर कितना ए आई माइनस ए जे माइनस ए के बाय मैग्नीट्यूड कितना रूट ओवर थ्री है, तो ए कट गया तो ये कितना हो जाएगा आई माइनस जे माइनस के बाय रूट थ्री, तो ये हो गया बी एच। अब क्या करो, एग्जैक्टली सेम टाइप का है, सेकंड क्वेश्चन करो, ए सी का वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर अलग ए सी, पहले ए सी लिखो फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालो, ट्राई करो, एक मिनट दे रहा हूँ, कुछ से कम इंपॉर्टेंट है, करो पहले बोर्ड देख के करो, कोई दिक्कत नहीं। आगे आगे सारे क्वेश्चन बना सकते हो, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे क्या लिखेंगे, इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। पोजिशन वेक्टर ऑफ सी कितना हो जाएगा, देखो ए आई प्लस ए आई प्लस ए आई माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ए कितना है ए के, बाकी दोनों तो जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा ए आई सॉरी ए प्लस ए जे ए के, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर चाहिए एसी का कितना लिखेंगे, ए आई प्लस ए जे बाय, तो कितना ए आई प्लस ए जे बाय रूट ओवर टू है, तो आई प्लस जे बाय रूट टू, तो ये हो गया पोजिशन वेक्टर। अब सिमिलरली ट्राई करो डी एफ प्लस एच ए, तो पहले डी एफ लिखना है फिर एच ए लिखना है, दोनों को ऐड करना है। सिमिलरली नीचे वालों ट्राई करो,
जिसका हो गया आगे बढ़ते रहो। तो मैं लिखता हूं देखो, df वेक्टर प्लस h a वेक्टर, पहले df निकालते, df क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ f माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d। पोजीशन वेक्टर f कितना है, a j माइनस पोजीशन वेक्टर d ai प्लस ak, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ai प्लस aj माइनस ak। सिमिलर लू h a क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एच, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना आ जाएगा, ए के पोजीशन वेक्टर ऑफ एच ए आई, तो ये कितना माइनस ए आई प्लस ए के। फिर दोनों को ऐड कर दो, डी एफ प्लस एच ए, तो ऐड करो कितना है, माइनस ए आई प्लस एच ए माइनस ए के प्लस माइनस ए आई प्लस ए के, तो ये माइनस टू ए आई, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस ए जे, ये हो गया आंसर। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। सेकंड वाला सेम टाइप का है, सेकंड वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो प्रैक्टिस करना है। बी डी निकालो, फिर डी एफ निकालो, बी डी तो हम पहले भी निकाल चुके थे, फिर दोनों को माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ क्यू वर्ड का, वो घर में ट्राई करना है, ठीक है। सपोज उसी टाइप का है कीवर्ड, ठीक है। तो ये दिया हुआ, ये लेंथ है तुम्हारा ए और ये लेंथ है बी और ये लेंथ है सी, तो तुम्हें निकालना क्या है। क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तुम्हें प्रैक्टिस कभी भी करके फिर मेरे को भेज सकते हो, अगर तुम्हें चेक करना है चाहते हो, खुद जब प्रैक्टिस करो, ये होमवर्क दे तुम्हारे लिए। तो मेरे को चाहिए फिर एस ए जी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर, तो एच बी वेक्टर माइनस ई सी वेक्टर, एफ प्लस डी एफ माइनस बी एच। इसी टाइप का कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ और। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर 3D, 3D का क्यूब कीवर्ड का हमने पोजीशन वेक्टर निकालना सीख गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंगल देखो, ध्यान से समझो, मेड बाय वेक्टर विथ एक्सिस, तो मतलब वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, ठीक है। पहले टू डायमेंशन की बात करेंगे, फिर थ्री डायमेंशन की बात करेंगे। सपोज एक वेक्टर है मेरे पास ए आई प्लस बी जे, तो मैं बोलूंगा सपोज ये वेक्टर है, मान लो डी वेक्टर, तो मैं बोलूंगा x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं,
तो इसको क्या करते हैं, पहले एक्सिस में डिफाइन करो, बहुत इजी है, हम कर चुके हैं, बस जस्ट रिपीटेशन है। तो ए आई मतलब क्या, एक्स के डायरेक्शन में कौन सा है, आई है ऐसे, वाई के डायरेक्शन में कौन सा है, बी है, तो बी को पैरेलल शिफ्ट करो, और रिजल्टेंट कौन सा है, डी वेक्टर तुम्हारा कौन सा वेक्टर है, ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये है एंगल tan थीटा, तो tan थीटा क्या लिखेंगे, देखो बी बाय ए और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाय ए, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, कई बार कैसे है यहां से देख के डायरेक्टली लिख सकते, tan थीटा कितना है, बी बाय ए, ठीक है। अब देखो अगर ऐसे बोलता हूँ, ये इसमें चार केस रहता है, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस में देखो वहां अगर देखो माइनस ए आई प्लस बी जे, तो यहां से अगर एंगल निकालना है, ठीक है, तो एक्सिस का एंगल बनाओ, डायरेक्शन में से बनाओ, एग्जैक्टली सेम टाइप का है, ये तुम्हारा एक्स, ये तुम्हारा वाई, ठीक है। तो माइनस ए आई मतलब क्या, एक्स का अपोजिट डायरेक्शन, ये तुम्हारा ए, और बी जे, बी जे का मतलब क्या, ऊपर की डायरेक्शन में बी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल यहां पे शिफ्ट करो, ठीक है। तो तुम्हारा जो वेक्टर है तो वो कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर है तुम्हारा। अब यहां से एंगल अगर निकालेंगे, ये एंगल थीटा, तो यहां पे थीटा क्या है, टैन थीटा कितना है, बी बाय ए है, बट अगर एक्स एक्सिस एंगल अगर बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स बी बाय ए, बट हमको एक्स एक्सिस एंगल चाहिए, तो कौन सा एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल है, तो इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा विथ किसमें, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे निकाल दे, ये तो ज्योमेट्री से थीटा एंगल आया, बट हम एंगल को भी मेजर करते हैं, तो कहां से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कोई भी स्ट्रेट लाइन है ऐसा, उसका एंगल कैसे मेजर करते हैं, पाई माइनस थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। और कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हो, तो इसीलिए हम ऐसे करते हैं, जो भी एंगल मेजर करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल को पॉजिटिव मानते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल को क्या करते हैं, नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें और दो केस है, अगर मान लो ऐसा है, थर्ड केस इसका ये बोलता है कि अगर ए आई और माइनस ए आई माइनस बी जे, इसको अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखाओगे कैसे होगा, देखो लिखेंगे बी बाय ए और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाय ए, बट हम एक्स एक्सिस एंगल चाहिए, अगर अगर पूछे कितना एंगल बना रहा है, तो जनरली हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछता है, तो ये एंगल कितना लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना है, पाई प्लस थीटा, ये एंगल कितना है, पाई है, टोटल कितना है, पाई प्लस थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। और उल्टा ही बोल सकते हैं, ये एंगल को नेगेटिव मान लेते हैं, अगर ऐसे लिख दिया तो ये एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा पाई है, ये कितना है, पाई माइनस थीटा, ये क्या है तुम्हारा, पाई प्लस थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा विथ एक्स एक्सिस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएंगे एंगल को हम नेगेटिव मानते हैं। सिमिलरली फोर्थ केस है इसका, अगर ऐसा रहेगा ए आई माइनस बी जे, इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा डायग्राम बनाना है, अगर डायग्राम बना लोगे तो कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली ले चलते हैं डायग्राम बना, देखो ए आई है, ए आई मतलब क्या, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ए है, माइनस बी जे मतलब ये है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया तुम्हारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करो यहां पे, तो तुम्हारा वेक्टर क्या बन जाएगा, ये है तुम्हारा वेक्टर, तो ये एंगल थीटा है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, x के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर पूछेंगे x का कितना एंगल बना रहा है, ये पूरा एंगल ऐसे कितना है, 2 पाई माइनस थीटा विद x एक्सिस, अगर नेगेटिव में लिखेंगे तो ऐसे जाओगे तो क्या, माइनस थीटा विद x एक्सिस दोनों बराबर है, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऐसे लिखते, क्लॉकवाइज
नेगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। तो हम अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव लिखोगे, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव है, तो क्लॉकवाइज में कितना जा रहा है थीटा, तो माइनस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज यहां से यहां तक हो जाएंगे, ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना है 360, माइनस थीटा 2 बाय माइनस थीटा। तो ये हो गया एंगल निकालना। टू डायमेंशन में अगर कोई वेक्टर रहेगा तो उसको हम ऐसे एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो बाद में जो उसको नोट्स बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज मैं वेक्टर दूंगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टू वाई प्लस फोर जे, बोलूंगा फाइंड एंगल मेड बाय ए विथ एक्स एक्सिस। तो पहले क्या करोगे, वही डायग्राम बना दो, पहले डायग्राम बनाएंगे तो इजी हो जाएगा तुम्हारे को। तो माइनस टू जे मतलब कैसे, टू वाई ऐसे है, फोर जे ऐसे है, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो ये है तुम्हारा कितना 2 है, तो टेन थीटा क्या लिखेंगे, 4 बाय 2 इसका कितना है 2 है। बट हमको x एक्स एंगल कौन सा चाहिए, ये एंगल चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा विद एक्स एक्सिस। तो पाई माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2, पाई माइनस टेन इनवर्स 2 विथ एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर हम बोलूंगा माइनस 2y माइनस और प्लस 2y माइनस 4j, फाइंड एंगल मेड बाय वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, कितना आएगा। देखो डायग्राम बना लो सेम टाइप का, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, या फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, बेसिकली अगर ए आई प्लस बी जे होता है, टैन थीटा अगर लिखेंगे तो लिखोगे कितना, बी बाय ए, मॉड में ले रहा हूँ ऐसे, मतलब कोई प्लस माइनस का नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ ऐसे बी बाय ए। तो इसको भी याद रख सकते हो, कई बार जरूरत पड़ता है, ठीक है। मतलब b का मतलब y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे tan थीटा कितना है 4 बाय 2 2 है, बट एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, पता होना चाहिए कि वेक्टर कौन सा कोऑर्डिनेट में, 2y मतलब क्या है ऐसे, 4j क्या मतलब है ऐसे, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा तुम्हारा 4, ये है 2, तो ये है तुम्हारा थीटा एंगल। तो एंगल कितना होगा, ये लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई माइनस टेन इनवर्स 2 विथ एक्स एक्सिस, और क्या लिखते हैं, माइनस टेन इनवर्स 2 माइनस थीटा विथ एक्स एक्सिस, दोनों सही है। माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज में जा रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो प्लस लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल, ठीक है। अगर और एक क्वेश्चन देता हूं, ए वेक्टर इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड मेक्स इक्वल एंगल, एक्स एंड वाई एक्सिस, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, देखो कितना होगा, डायग्राम बनाओ थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब कैसा है, ऐसा होना चाहिए वेक्टर, मतलब उसका इस ऐसा होना चाहिए कुछ, ठीक है। और कितना एंगल बना रहा है, देखो
ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री इक्वल एंगल है, तो मतलब ये अगर ए होगा ये भी कितना हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा क्योंकि 45 tan 45 कितना होता है 1 होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये है तो ये भी नीचे थर्ड पॉइंट मतलब दोनों नेगेटिव होते हैं, तो माइनस ए आई माइनस ए जे, ठीक है। अब इसके यूनिट वेक्टर निकाल लोगे कैसे लिखेंगे, माइनस ए आई माइनस ए जे बाय, तो वही कितना माइनस ए आई माइनस ए जे बाय, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो एंगल मेड बाय थ्री डायमेंशनल वेक्टर, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास करूंगा क्योंकि आज ऐसे भी टाइम हो गया, डायरेक्शन कोसाइन और एक थोड़ा सा समझना है उसमें, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट क्लास करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन और उसमें रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, उसको समझना पड़ेगा, थ्री डायमेंशन है और उसका एक्सिस कैसे होता है, और जल्दी जल्दी करेंगे फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसका डिस्कशन कब नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, ठीक है। तो आज भी पहले वाला क्लास टाइप का आज भी एक असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, तो उसको सॉल्व करो, कंटिन्यूसली असाइनमेंट सॉल्व करते रहोगे ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कोई भी अगर डाउट आता है तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।